आज मैं अपनी कार में एंजॉय करते हुए इस सॉन्ग को चलाते हुए जा रहा था। मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। फिर अचानक मेरी कार एक डिवाइडर से जाके टकराती है, बट इस डिवाइडर को रोड के बीचों बीच रखा किसने। टक्कर लगने से मेरे आगे का दरवाजा टूट गया था जो लाखों का पड़ेगा। अबे यहाँ पर कोई है जो मुझे बताएगा कि ये रोड के बीचों बीच डिवाइडर किसने रखे? कोई नहीं बोला। चलो कोई मत बोलो, अब देखो यहाँ पर होता क्या है। थोड़ी दूर पर मेरी जेसीबी की शॉप है, वहां से एक जेसीबी लाके इन डिवाइडर को तोड़ ही देता हूँ, तभी नहीं पता चलेगा नुकसान होता क्या है। शॉप पर तो आ चुका हूँ, किसी एक जेसीबी को लेकर फटाफट चलता हूँ डिवाइडर के पास। ऐसा तोड़ूंगा डिवाइडर को जो दोबारा जुड़ी नहीं पाएगा। डिवाइडर के पास तो आ चुका हूँ, जेसीबी को अब काम पे लगाता हूँ। तो ये मैंने जेसीबी की फुल ताकत से ये डिवाइडर को, लेकिन डिवाइडर तो यार बहुत मजबूत है। अभी तो कहूं कि मेरी इतनी मजबूत गाड़ी का गेट कैसे टूट गया। कोई बात नहीं बेटा, हम भी बहुत बड़े वाले हैं। मेरे पास एक जादुई फोन है, उसको एक मंत्र पढ़ता हूं और इन डिवाइडर को एक साइड कर देता हूं। तो फटाफट इंग्लिश में मंत्र लिख देता हूं। तो मंत्र लगभग लिख चुका है, और ये देखो जैसे ही मैं डिवाइडर के पास जाऊंगा ये डिवाइडर खुद ही हट जाएगा। इस मंत्र का यही तो जादू है। ये देखो जैसे ही मैं इसके पास गया ये भी हट गया और ये भी हट गया। देखो और तू भी भाई हट, हट साइड में, हट भाई अपना दोस्त आगे हट साइड में। और ये क्यों, तू क्यों रिया, तू भी हट गया। हमसे पंगे लेंगे, हमसे जो पंगा लेगा वो हो जाएगा नंगा। वैसे यार मैं जा कहां रहा था, हाँ जुरासिक पार्क जा रहा था, क्योंकि जुरासिक पार्क में अचानक एक बिल्डिंग प्रकट हो गई, उसी को देखने जा रहा था और 2 लाख का नुकसान हो गया यार। और ये देखो ये रही बिल्डिंग, बट यहाँ तो एक नहीं दो दो बिल्डिंग है। और इसके बाद जो हुआ वो देखना पार्ट 2 में।